हेलो ऑल, आज मैं आपको चॉकलेट फज बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट ले लिया है मेल्ट करके। ये 1 कप ऑफ डार्क चॉकलेट है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर डाल देंगे। इसमें हमें लगेगा 200 ग्राम्स ऑफ मिल्क मेड, जिसे मैं आधा आधा करके डालूंगी। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें रिमेनिंग मिल्क मेड जो है वो डाल के अच्छे से पूरे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। अब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये 1/2 कप ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने मिक्स लिए हैं। आप चाहे तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। एंड अब हमें इसे मिक्स करना है बहुत अच्छी तरीके से। सो हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम एक कंटेनर ले रहे हैं, इसमें हम बटर डालेंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। हम इसमें लगाएंगे ये बटर पेपर। अब जो हमने मिक्सचर रेडी किया है वो हम इसमें डाल देंगे। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए 3 to 4 hours के लिए। सो हमारा चॉकलेट फज सेट हो चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अगर आपको चॉकलेट फज जल्दी चाहिए तो आप इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख सकते हैं 1 आवर के लिए। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। सो हमारा चॉकलेट फज रेडी है।